बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साहब जी, श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने शोभा देखी कि श्री परम धाम के मध्य में एक भूम भर ऊंची चबूतरे पर श्री रंग महल शोभायमान है और ये चबूतरा 6,000 मंदिर की गृद रखता है और 2,000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। और इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर बेशुमार चित्रामन पशु पक्षी जब रू इन चबूतरे के नजदीक आती है तो कैसे चित्रामन के पशु पक्षी रू का अभिनंदन करते हैं। चित्रामन के वृक्ष फूलों की बरखा और पुतलियों का नृत्य, तो इन सुंदर शोभा को दिल में बसाकर जब हम श्री रंग महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो हमने शोभा देखी कि घेर कर एक मंदिर की धाम रोस आई है, एक मंदिर की विशाल धाम रोस। और इन धाम रोस के भीतरी तरफ 6,000 मंदिर घूमी है। अब आगे शोभा का वर्णन महाराज शिव जी कर रहे हैं। घेर कर जो 6,000 मंदिर आए हैं, इन मंदिरों की हार में बाहरी तरफ 200 हांस आए और एक एक हांस 30-30 मंदिर का घेर कर जो 6,000 मंदिर आए हैं, ये संपूर्ण गोलाई ना होकर पहलदार है। 200 पहल 30 मंदिर का हिसाब लेते हैं, एक एक हांस 30 मंदिर का, तो इस हिसाब से घेर कर 200 पहल होने चाहिए। और जहां पर दो पहल मिलते हैं वहां पर गुर्ज की शोभा आई है। आगे महाराज शिव जी बता रहे हैं कि मंदिरों की बाहरी हार में 200 हांस आए, एक एक हांस 30 मंदिर का, तो सांप के 200 ही हांस बनते हैं। परंतु पूर्व दिश को एक हांस बढ़ गया है, ताते 201 हांस लेख हो जाते। जो पूर्व दिशा है वहां पर धाम द्रवजी की शोभा के वास्ते एक हांस बढ़ गया है, तो इस वास्ते हांस हुए 201। अब इन हांस की शोभा कैसे आई उसका वर्णन महाराज जी बड़े प्यार से कर रहे हैं। पूर्व की दिश का जो 50वां हांस है, तीन में से 24 हांस इस तरफ रहे, 24 हांस उस तरफ रहे, बीच में बचे जो दो हांस है, उन 30-30 मंदिर के दो हांसों से 5-5 मंदिर लिए। इन शोभा को देखते हैं। पूर्व दिशा के जो 50 हांस आए हैं, उनमें 24 हांस इस तरफ छोड़े, 24 हांस इस तरफ छोड़े, यहां पर जो दो हांस आए हैं, उन दो हांसों से 5-5 मंदिर लेकर ये 10 मंदिर का हांस हुआ। इन शोभा को इन प्रदर्शन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए,
घेर कर आए हंस 30-30 मंदिर के, तो 200 हंस हुए। अब पूरब दिशा के 24 हंस इस तरफ छोड़े, 24 हंस इस तरफ छोड़े। मध्य के जो दो हंस हैं, ये जो दो हंस आए हैं, एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। एक हंस ये और एक ये, इन दोनों हंसों से पांच पांच मंदिर लेकर 10 मंदिर का एक हंस ये हुआ, दामदर्व जी की शोभा के वास्ते। तो अब ये 10 मंदिर का हंस और इनके दाएं बाएं के हंस रह जाएंगे 25-25 मंदिर के, और घेर कर जो बाकी हंस आए हैं वो सभी हंस 30-30 मंदिर की हैं। इन्हें एक अन्य नक्शे से भी समझने का प्रयास करते हैं। इन ड्राइंग के माध्यम से समझिए कि पूर्व दिशा के जो 50 सांस आए हैं, उनमें 24 सांस एक तरफ छोड़े, 24 सांस दूसरी तरफ छोड़े। मध्य के जो दो हंस आए हैं, इनसे पांच पांच मंदिर लेके ये 10 मंदिर का हंस हुआ, दामदर्व जी की शोभा के वास्ते। अब इनके दाएं बाएं के हंस 25-25 मंदिर का, और घेर कर सभी हंस हमारे हो गए 30-30 मंदिर के। तो इस तरह से कुल हांसों की संख्या हुई 201। पुनः एक बार पढ़ते हैं इस शोभा को। सो पूरब की दिशा में जो 50 हांस हैं, उनमें से 24 हांस एक तरफ छोड़े, 24 हांस दूसरी तरफ छोड़े। बीच में बचे जो दो हांस हैं, उन 30-30 मंदिर के दो हांसों से पांच पांच मंदिर लिए गए। सो इन्हें लेके 10 मंदिर का एक न्यारा हांस बना, और इस हांस के दाएं बाएं भी एक एक गुर्ज की शोभा आई है। ये जो विशेष हांस बना, इस हांस के दोनों तरफ भी एक एक गुर्ज की सुंदर शोभा आई है। ये देखिए 10 मंदिर का हांस, इनके दाएं बाएं भी गुर्ज की शोभा। इन 10 मंदिर के हांस के दाएं बाएं की ये हांस 25-25 मंदिर के, और घेर कर सभी हांस 30-30 मंदिर के आए हैं। तो इस तरह से 201 हांसों की सुंदर शोभा। उन्हें इन नक्शे के माध्यम से इन शोभा को दिल में बसाते हैं। ये 10 मंदिर का हांस दामदर्व जी की शोभा के वास्ते, इनके दाएं बाएं भी घुर जाए, दाएं बाएं के हांस 25-25 मंदिर के, और घेर कर शेष हांस सभी हांस 30-30 मंदिर के आए हैं। तो ये सुंदर शोभा, इन शोभा को रूह की नजरों से महसूस करें। अति सुंदर शोभा, घेर कर आई सुंदर शोभा, और जहां दो हांस मिल रहे हैं वहां पर गुर्जों की सुंदर शोभा। सबसे पहले हम देखें कि 10 मंदिर का हांस जो विशेष आया है, उसके दाएं बाएं भी गुर्ज की शोभा, और जहां पर दो हांस के पैर मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज की शोभा। तो इन शोभा को देखते हैं कि ये गुर्ज किस प्रकार से आए हैं। ये देखिए, जहां पर दो पहल मिल रहे हैं वहां पर इन दोनों मंदिरों से 33-33 हाथ की जगह लेकर यहाँ पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। ऐसे जहां पर दो पहल मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज की शोभा। अब इन गुर्ज की शोभा को नजदीक से देखते हैं। इन सुंदर प्रदर्शन के माध्यम से सबसे पहले तो हम ये देखें, घेर कर जो ये बाहरी हार मंदिर आए हैं, इनकी बाहरी दीवार की शोभा। एक बड़ी मेहराब, लाल मानिक के फूल मेहराब की नोक पर दाएं बाएं ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। अब इनमें तीन मेहराब है, 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर कहा जाता है। तो ये तीन मेहराबें 33-33 हाथ की, इनमें पुने तीन तीन मेहराबे। दाएं बाएं की मेहराब में ठीक मध्य दरवाजा, और दरवाजे के दाएं बाएं जाली द्वार, और मध्य मेहराब में आएंगे तो ठीक मध्य चरोखे की शोभा आएगी। प्रथम भूमिका में चरोखा 22 हाथ ऊंचाई पर है, और
दूसरी भौम से ये झरोखा 3 हाथ की ऊंचाई पर है और झरोखे के दाएं बाएं 40 द्वार। अब ये मान लीजिए ये 2 मंदिर वहां पे हैं जहां पर 2 पहल मिल रहे हैं, तो 33 हाथ की जगह एक मंदिर से लेके 33 हाथ की जगह दूसरे मंदिर से लेकर यहाँ पर 66 हाथ की लंबी चौड़ी बुर्ज की जगह हुई। अब यहाँ पर बुर्ज की ये देखिए बाहरी दीवार की शोभा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें ठीक मध्य दरवाजा दाएं बाएं 40 द्वार। इसी तरह से ये दाएं बाएं की दीवार की भी शोभा होगी, लेकिन भीतरी दीवार चूंकि मंदिरों की है तो यहाँ पर 2 दरवाजे और 4 40 द्वार होंगे। इन शोभा को हम यहाँ से भी देखते हैं। ये देखिए गुर्ज की बाहरी 3 दीवारें, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें ठीक मध्य दरवाजा दाएं बाएं 40 द्वार। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये गुर्ज यहाँ से होना चाहिए था। ये 33 हाथ गुर्ज ने तापे हैं, तो गुर्ज के पास वाला मंदिर हमें उनमें 2 मेहराबें नजर आएंगी, एक दरवाजा, एक मेहराब जिसके ऊपर चरोखा है और 4 दाली द्वार। ये जो 33 हाथ की जगह है ये गुर्ज की पश्चिम दीवार हुई, भीतरी दीवार हुई। तो इस तरह से गुर्ज की सुंदर शोभा, 3 दीवारें जो धाम रोज पे खुल रही हैं, उनमें बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबे, चूंकि ये 66 हाथ की जगह है तो 22 हाथ के दरवाजे की शोभा और दाएं बाएं 40 द्वार, लाल मानिक की फूलों की शोभा, ऊपर चित्रामन की शोभा। तो 201 अति सुंदर गुर्जों की प्यारी सी शोभा। आइए सुंदर साजी इन भूम पर ऊंची चबूतरे की शोभा को महसूस करें। घेर कराई विशाल धाम रोस, इन धाम रोस की नूरमयी शोभा को महसूस करें। विशाल धाम रोस, अन रोस के भीती तरफ घेर कराई मंदिरों की शोभा, हांस हांस पर आई गुर्जों की शोभा। और मंदिरों के सन्मुख 100 हाथ की जगह संपूर्णता लिए और गुर्ज के सामने, क्योंकि गुर्ज ने 66 हाथ घेर लिए तो यहाँ पर 34 हाथ की जगह। और कितनी नूरमयी ये धाम रोस, विशालता लिए और इन धाम रोस पर खड़े होकर इन बाहरी हार मंदिरों की सुंदर शोभा को निरखना, कैसे एक बड़ी मेहराब, लाल मानिक के फूल, ऊपर चित्रकारी, उनमें 3 मेहराबे, इनमें भी लाल मानिक के फूल, उन्हें 3 3 मेहराबे, 2 दरवाजे, 6 40 द्वार। सुंदर अति सुंदर शोभा, एक एक गुर्ज की प्यारी शोभा। घेर कर आई ये 201 गुर्ज, रंगों नगों में झिल मिलाते हुए श्री रंग महल की शोभा को संपूर्णता देते हुए, बेशुमार रंगों नगों से झिल मिलाते, जुदी जुदी जिनस से सजे श्री लालदास महाराज जी कृत बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है। इनमें 4 द्वार बने तापर कलश कांगरी होए, ए दोए गुर्ज भी सीढ़ियां इन चांदी चढ़े सब होए। ये चपाई है प्रकरण नंबर 27 दसवीं भूम चांदनी। इन चपाई के माध्यम से ये शोभा क्लियर हो रही है कि धाम दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज आए हैं, इन गुर्जों में सीढ़ियों की सुंदर शोभा आई है जिनसे सखियां चढ़ उतर करती है। तो घेर कर आए इन 201 गुर्जों में भी हम सीढ़ियों की शोभा को ले सकते हैं। एक एक गुर्ज में बेशुमार चौपाई 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं इन गुर्जों में है। और इन गुर्जों की दीवालों को देखते हैं तो किस तरह से हर दीवार में हमें दो दो जाली द्वार मिलते हुए, एक सुंदर
खुला खुला सा स्थान और इनमें सुंदर धाम की विशाल सीढ़ियों की शोभा, बैठन की सुंदर स्थान और ये गुर्ज, इन गुर्जों में क्या लीला होती है इसका वर्णन खुल के कहीं नहीं है। बस एक जगह अभी जो हमने पढ़ा वृत्ति में कि इनमें सीढ़ियां आई हैं, लेकिन ये गुर्ज 66 हाथ के लंबे चौड़े और श्रीरंग महल की शोभा को संपूर्णता प्रदान करते हुए और इन्हीं गुर्जों के ऊपर श्रीरंग महल के चांदनी पर घुमटों की सुंदर शोभा, फिर एक एक शोभा को महसूस करें, उन गुर्ज में खुद को महसूस करें कि हम एक गुर्ज में हैं, तो कितना विशालता लिए गुर्ज। वनों की तरफ जो तीन दीवार खुल रही है उनमें ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चारी द्वार और भीतरी दीवार में दो दरवाजे जिससे हम मंदिरों में जा सकते हैं। सुंदर दरों दीवार इन गुर्जों के और इन जाली द्वारों से आती वो धाम की सुगंधि और इन द्वारों से निकलकर धाम रोस पे आना, सुंदर शोभा गुर्जों की घेर कराए बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आगे हम शोभा करेंगे 10 मंदिर की विशेष हास की शोभा को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।